विद्यालय परिवार एवं विद्यालय विद्यालय परिवार के विद्यार्थियों को मैं एक बार पुनः अवगत कराना चाहूँगी और आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हम लोगों को जिस घड़ी का इंतजार था वो अब आ चुका है। आज हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। अतिथि महोदय के लिए अब मैं अपने अतिथि महोदय के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगी। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है कि सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, मधुर वाणी अगर सुन ले तो सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, बात सच निकली। हमें तो आप में भगवान का एक दूत दिखता है, हमें तो आप में भगवान का एक दूत दिखता है। आप आए यहाँ, शुक्रिया मेहरबान। आप आए यहाँ, शुक्रिया मेहरबान। क्या कहें आपको, हम हुए बेजुबान। यह सभा हर्ष से हो गई तरब तर, कि ये सभा हो गई तरब तर, नूर से भर गया यह सारा संघ। महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका स्वागत किया जाए और स्वागत और मल्यार्पण की इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी। अरे जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारी महफिल में आए हैं, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। अब मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय तथा सभी अतिथियों के लिए कुछ कहना चाहूंगी। मुस्कान आपकी हल है मेरे मेहरबा, इस इंतजार के आप काबिल हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑडियंस एंड ऑनरेबल चीफ गेस्ट, Now I would like to give you a surprise in front of you all that will be more and more surprise and event for ever, so that everyone will be remember this event. This is none other than the performer on the our school's teaching staff with our respected manager sir, with our teachers. It we will prepared on the stage by music and the title is the idol of our country
एस वी नो दिस इज द फ्लैग सॉन्ग विजय विश्व तिरंगा प्यारा. आई अगेन रिस्पेक्टेड ऑल टीचर्स अलॉन्ग विथ रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव अस दिस सरप्राइज. रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, डॉक्टर राजीव रत्न मौर्य सर, ऑनरेबल प्रिंसिपल मिस्टर अनिल मौर्य सर, संतोष प्रजापति सर, सभाजीत मौर्य सर, शुभम गुप्ता सर, अजीत गिरी सर एंड डिंपल कुमार सर, संजय राव सर, गोविंदा सर एंड संतोष मौर्य सर, उपमा यादव मैम, प्रियंका अस्थाना मैम, पूजा विश्वकर्मा मैम एंड अनीता कुमारी एंड आराधना मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड प्ले देयर सरप्राइज.
रही हूँ और मुझे एक सीख मिल गई है, क्या प्रस्तुतिकरण किया गया हमारे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा। द्वीप स्कूल के समस्त स्टाफ को, प्रबंध तंत्र, प्रशासन, सभी बच्चों, सभी गार्जियनों को मैं बता दूं कि जनपद जौनपुर में अकेले यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त करीब 550-600 विद्यालय हैं। CBSE, ISC बोर्ड के भी तमाम सैकड़ों विद्यालय हैं। तमाम जूनियर मिला के करीब 1,000-1,500 विद्यालय हमारे जनपद जौनपुर में हैं। आप सबके लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत गौरव की बात है कि उच्च संवैधानिक पद पर बैठे माननीय मंत्री जी, माननीय गिरीश चंद्र यादव जी ने सीधे लाइन बाजार से वहाँ पार्टिसिपेट करके गणतंत्र दिवस समारोह मना करके आपके विद्यालय में हमारे विद्यालय की गरिमा बढ़ाने के लिए आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग जितना जोरदार तालियों से स्वागत कर सका हूँ इस बात के लिए कि आपका यह उपकार, आपका यह प्रेम हम सबके दिलों में यूं ही जीवन भर बना रहेगा। हम बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ अपने मित्र माननीय मंत्री जी को हम उन्हें मंच पर बुला रहे हैं। आदर सहित आपका सम्मान है। इंटर कॉलेज शीतला चौकिया धाम में आयोजित 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सिकरारा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख और जिनका स्नेह मुझे, मैं जब जिला पंचायत का सदस्य था सन 2000 में तब भी मुझे मिला और आज भी मुझे मिल रहा है, ऐसे सम्माननीय आदरणीय समर बहादुर जी इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के प्रवक्ता आदरणीय राहुल त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे मित्र आदरणीय प्रदीप तिवारी जी, हिंदुस्तान के समाचार के पत्रकार, हम सब के मित्र आदरणीय राधारमण तिवारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित और यहां पर उपस्थित सभी आदरणीय हमारे मित्र इस कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर राजीव रतन मौर और इस कॉलेज के प्रिंसिपल के आमंत्रण पर इस गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए सभी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी सम्मानित नागरिक बन, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, छात्र छात्राएं, गुरुजन, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को अपने हृदय की गहराइयों से 71वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा आप सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके बारे में डॉक्टर राजीव रतन मौर जी ने, जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने काफी विस्तार से चर्चा कर दिया। मैं बहुत विस्तार से नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप ढंग से थोड़ी बात बताने का प्रयास करूंगा। यह देश हमारा गुलाम था, यहां अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी, हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे। इस देश के वीर सपूतों ने जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस देश को आजादी दिलाने में जिन लोगों ने योगदान किया, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, पूर्व महात्मा गांधी जी, सरदार भगत जी, चंद्रशेखर आजाद जी,
राम प्रसाद बिस्मिल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऐसे तमाम डॉक्टर अंबेडकर जी, सभी जिन लोगों ने देश की आजादी दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाई, ऐसे उन सभी महानुभावों के चरणों में मैं शीश झुकाकर उन सबको आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनको नमन करता हूं, स्मरण करता हूं। पंद्रह अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन यह देश कैसे संचालित होगा, किस नियमों के तहत चलेगा, कौन सा कानून होगा, यह कोई व्यवस्था इस देश में नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इन सब के नेतृत्व में, लंबी श्रृंखला है, इस सब के नेतृत्व में 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर इस देश का एक संविधान बना और वो संविधान जब सौंपा गया और सौंपने के बाद इस देश में जब लागू हुआ, वो दिन आज है 26 जनवरी 1950 को वो संविधान लागू हुआ जिसके तहत ये देश संचालित हो रहा है और हम सब उसी संविधान के तहत आज यहाँ विराजमान है। चाहे वो जितने भी नियम हैं, कानून हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वो उसी संविधान में उल्लिखित है और उसी के तहत हम सब चल रहे हैं। मैं लंबा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस स्वतंत्रता मिलने के बाद देश की आन बान शान के लिए हमारे जो सेना के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, अपने परिवार घर त्याग करके पार सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, उन सबको भी मैं नमन करना चाहता हूं, स्मरण करना चाहता हूं और उन्हीं के कारण से अगर आज हम घर परिवार में निष्कंठ शब्द कह लें, या आज हम घर में अगर सोते हैं, अगर आज हम बाजार में चलते हैं, आज हम आधी रात को गुजरते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे पुलिस के, सेना के उन जवानों की भी बड़ी भूमिका है। आज के इस अवसर पर उनको भी मैं बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। और जैसा संविधान में जिस बात का उल्लेख किया गया है, सामाजिक विषमता को दूर करना, समाज में सभी को बराबरी पर लाना, नारी का सम्मान करना, उन सब में नारी के सम्मान के लिए हमारे पुलिस के जवान भी कड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन चक, उनको जब भी सूचना प्राप्त हो जाती है वो लगातार इस देश की नारी के सम्मान में काम करते हैं। हम कभी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जरूर अंगुलियां उठाते हैं, लेकिन अगर हम पूरा मूल्यांकन करेंगे तो हमको समझ में आएगा इनकी भूमिका क्या है और इनकी भूमिका के नाते हम कितना स्वतंत्र और आजाद रह के काम कर रहे हैं। मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं, जो सामाजिक विसंगतियां थी उसको दूर करने के लिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था, संकल्प था,
जो मान्यवर काशी राम जी चाहते थे उस सपने को साकार करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी कटिबद्धता के साथ लगातार काम कर रहे हैं। उन तमाम गरीबों के जीवन में बदलाव लाना चाहते जो असहाय हो, कमजोर हो, जिनके पास रहने के लिए मकान ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, तन ढकने के लिए वस्त्र ना हो, उनका उन्नयन हो, उनका विकास हो, और यही सपना और इसी संकल्पों के लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर कांशीराम जी काम करते थे, उसको आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी साकार कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का जो सपना था, जो संकल्प था, चाहे वो 35A हो, चाहे वो 370 हो, चाहे वो नागरिक संशोधन हो, उस सपने को साकार करने में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा करने का काम किया। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी से भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये देश के सम्मान का सवाल है और किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि देश हमारा कैसे सुदृढ़ हो, शक्तिशाली हो, और देश का हर इंसान कैसे मजबूत हो, उसको कैसे उसका अधिकार मिले, इन सब के लिए ये काम हुए हैं। निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता। अभी जिस तरह से मैं डॉक्टर राजीव रतन मौर्य जी को भी बताना चाह, अभी बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निश्चय किया कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ने वाले जो छात्र गरीब, असहाय, कमजोर लड़के थे, उनकी छात्रवृत्ति एक साथ वितरित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया। अगली बार भी वो कार्यक्रम माँ दुर्गा जी विद्यालय सिद्दीकपुर में आयोजित हुआ था, मैं उसमें उपस्थित हुआ था, और इस बार भी अभी तिलकधारी इंटर कॉलेज में वो समारोह आयोजित हुआ है, मैं उसमें प्रतिभाग करके आ रहा। मैं इसलिए बात इस उल्लेख किया कि जो बताया गया लगभग 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों की संख्या, तो कुछ छात्रों को एक साथ RTGS के माध्यम से उनकी छात्रवृत्ति ट्रांसफर करने का काम हो गया। शेष बचे जितने गरीब, असहाय, कमजोर लोग हैं, उनके भी खातों में वो छात्रवृत्ति स्थानांतरित मार्च तक कर दी जाए। इसलिए तमाम बदलाव की कोशिश सरकार कर रही, मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर राजीव रतन मौर्य जी को कि उन्होंने एक ये विद्यालय की जो स्थापना किया, और स्थापना करके इस क्षेत्र सुदूर के इधर के ग्रामीण इलाके के लोगों को शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करके उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश किया। और मैं तो हर जगह कहता हूं कि अगर बेरोजगारी दूर करनी है, जो सामाजिक परिवर्तन की बात हो, अगर सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है, उपक्रम है और हथकंडा है, तो वो शिक्षा है। और एक दिन डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वैज्ञानिक बनता है, और पॉलिटिकल क्षेत्र में भी जाने का काम करता है। इसलिए राजीव रतन जी की जो सोच है, जो संकल्प है, सपना, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनका सपना और संकल्प साकार करे और यहां के लोगों का सर्वांगीण विकास हो। और ये हमारे मित्र हैं, इन्होंने एक बात कही, मैंने निवेदन, मित्र को पूरा अधिकार होता है, वो आदेश देता है,
और इन्होंने लखनऊ में मुझसे कहा कि जो मैंने कहा निश्चित रूप से मैं उसको साथ आउट करके जरूर आऊंगा। और मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं, जब ये ढलैया का काम हो रहा था तब भी मैं इस विद्यालय पर आया हुआ था और इनके साथ कई घंटे बैठकर मैं यहाँ बिताया। निश्चित रूप से इस विद्यालय के निरंतर उन्नत विकास प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, इसके लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और राजीव रतन मौर्य जी पर एक वो मिला है, ये जो तय कर देंगे वो इनकी स्वीकृति हो जाएगी। मैं आज इस बात की घोषणा करता हूं, ये जो तय कर देंगे, क्योंकि मित्र जो तय करेगा वही मित्र बात मानेगा, इसलिए इनके ऊपर वो प्रश्न छोड़ दिया। और आज इस समारोह में सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि मैं विलंब से आया इसके लिए आप सब लोगों को कठिनाई, उसके लिए भी क्षमा चाहते हुए आप सब लोगों को फिर से एक बार 71वें गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई शुभकामना देता हूं। और जिन छात्र छात्राओं ने देश के हित में जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी विरासत थी, चाहे वो लोकगीत हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य कलाएं हो, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, जो प्रस्तुतिकरण किया है उन सबको भी अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उनको भी अग्रिम बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।